किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर किशन चंद्रा, निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो कि भारत सरकार की संस्था है, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने ये पूछा है कि वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन कैसे इस्तेमाल करें। मैंने आपको बताया है कि स्प्रे में भी करते हैं, सॉइल में भी करते हैं, लेकिन स्प्रे के बारे में कुछ दुविधाएं हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूं। वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन जैसा कि मैंने बताया, जब आप बनाते हैं तो बनाने के बाद 4-5 दिन के बाद ये रेडी हो जाता है। तो जब 4-5 दिन के बाद रेडी हो जाता है तो उसको जब हम यूज़ कर रहे हैं, उसका स्प्रे करते हैं, तो देखा यह गया है कि अगर आप 5-6 दिन के बाद जो बना हुआ ताज़ा सोल्यूशन उसको अगर स्प्रे करते हैं, 100% भी स्प्रे करते हैं, तो वो आपका नुकसान नहीं करता। नुकसान मतलब क्या होता है, पत्तियां जला देता है, ये पत्तियां नहीं जलाएगा। लेकिन जब आप जैसे जैसे धीरे धीरे आपका पुराना होता जाएगा, 10 दिन का पुराना हो गया, 15 दिन का पुराना हो गया, तो उसको डायल्यूट करके ही यूज़ करना चाहिए। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं 50% आप इसका सोल्यूशन यूज़ करें और 50% पानी मिला लें, वो सबसे सेफ़ है। लेकिन जहाँ जहाँ कहीं कहीं बीमारियाँ हैं तो वहाँ हम लोग बोलते हैं 100% यूज़ करें। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 20 दिन का पुराना वेस्ट डिकम्पोज़र ये अंजीर के प्लांट पे डाला था। ये देखिए आपके सामने है, ये पत्ते देखिए जले हुए हैं, ये जो पत्ते जल गए हैं ये पत्ते उसी से जले हुए हैं। आप ये देखिए यहाँ पर भी ये पत्ते जले हुए हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई। पत्ते हार्ड भी आते हैं, जब आप इसको करेंगे तो पत्ते पूरे के पूरे हार्ड हो जाते हैं। तो आपकी पहचान है कि जब इसको करेंगे, देखिए आवाज़ आएगी, ये आवाज़ आ रही, तो ये क्या है कि पत्ते ख़राब हो गए, लेकिन प्लांट में कोई नुकसान नहीं हुआ। प्लांट में देखिए दोबारा जब पत्ते आए हैं, देखिए पत्तों की चौड़ाई अब आपके सामने है, ये पत्ता और ये पत्ते, इसमें देखिए कितना फ़र्क है। ये पत्ते तब थे जब शुरू में पत्ते हमने लगाए थे, और जब वेस्ट डिकम्पोजर एक्सेस डाल दिया, पत्ते जल तो गए लेकिन पेड़ में जो है कोई नुकसान नहीं हुआ। पेड़ में फिर से अच्छे पत्ते आ रहे हैं, और आप देखिए साइज़ कितना बड़ा हो गया। इसको बोलते हैं लीफ इंडेक्स। साइज़ बढ़ने से अब इसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया बढ़ गई, कलर देखिए आप बिल्कुल डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसमें खाना अधिक बनेगा, प्लांट को अधिक आपको फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए देखिए कितनी सारी ब्रांचेस निकल आई, ये सब पहले के जले हुए हैं, ये भी देखिए आप, और जो नए निकल रहे हैं वो भी देखिए आप। तो आप इधर भी देखिए, सारे पत्ते देखिए, पूरे का पूरा प्लांट, पहले भी फ्रूटिंग आई थी, आप फ्रूटिंग देखिए यहाँ पर, यहाँ पर फ्रूट देख लीजिए, फ्रूट्स में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, फ्रूट में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पत्तों में ज़रूर नुकसान हुआ है। तो पत्ते झड़ जाएंगे, इधर देखिए पुराने पत्ते लगे हुए हैं, ये आपके पुराना पत्ता लगा हुआ है, ये सब पुराने हैं आपके, और ये नए पत्ते हैं। तो इसमें डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो खाली मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे भी स्प्रे करें, ज़्यादा हो गया कम हो गया तो पत्ते जल जाएंगे, लेकिन आपके फसल को नुकसान नहीं होगा, प्लांट वैसे ही हरा भरा रहेगा। प्लांट जब निकलेगा उसमें और अच्छे ब्रांचेस निकलेंगे। ये आपके सामने है कि वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन इसलिए आपको बोलते हैं कि जब आप जितना पुराना हो जाए उसको बगैर डायल्यूट यूज़ करें, ना कर यूज़ करें, डायल्यूट जरूर करें, 50-50% सेफ है, कम भी करें जो कोमल पत्ते हैं उस पर कम करें, लेकिन पेड़ को कोई नुकसान, पेड़ और अच्छा हरियाला हो, हरा भरा होगा। और ये आपके सामने रिजल्ट है कि जितने पत्ते आ रहे हैं, देखिए सारे के सारे पत्ते बड़े हैं, सबकी लीफ इंडेक्स बढ़ी हुई है और कोमल हैं, बहुत ही कोमल है, इसमें आवाज़ नहीं आएगी, ये देखिए बिल्कुल नेचुरल हैं। तो इसीलिए जब आप वेस्ट डिकम्पोज़र का स्प्रे कर रहे हैं तो आप जितनी आपके नॉर्मल फसलें हैं, सब्जियां वब्जियाँ हैं, उसमें 50% का ही स्प्रे करें, बाकी जो बड़े पेड़ हैं उस पर आप कर सकते हैं जो फ्रेश कल्चर, 100%। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये कल्चर जो एक बार बना दिया वो ज़िंदगी भर आपका चलता रहेगा, दोबारा आपको बॉटल नहीं लेनी है, आपको कहीं भी कल्चर नहीं लेना है, जो आपके पास है वही दही की तोरण की तरह, जैसे दही आप जमाते हैं दूध, लाखों टन आप दूध को जमा सकते हैं, इसी तरह से इसमें जमाएंगे। और जैसा आपको मालूम है कि दही में आप बाहर रखिए, फ्रिज में रखिए, बाहर रखिए, कहीं भी रखिए, घर के किसी कोने में रखिए, दही ख़राब नहीं होता, हल्का खट्टापन आ जाएगा लेकिन दही के गुड़ ख़त्म नहीं होंगे। वैसे ही हमारा ये है, वेस्ट डिकम्पोज़र है, जब आपने सोल्यूशन बना दिया तो इसमें
ज़्यादा का ज़्यादा महक थोड़ी बढ़ चेंज हो सकती है, लेकिन उसके गुण कभी चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा आपको रहेगा। और उसको जब जैसे ही आप दूसरे उसमें डालेंगे, कंटेनर में गुड़ डालेंगे, फिर वो मल्टीप्लाई कर जाए। तो ये उम्र भर के लिए आपका एक 20 रुपये की बॉटल काम करेगी। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों को भ्रम है कि इससे आपका इमेशन होता है, ज़्यादा हाई डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने से जो है गैस निकले, बिल्कुल गलत है ये। क्योंकि ये प्रोसेस हमारा आप खुद करके देखें कि जब कोई भी वेस्ट चीज़ को इसको आप इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, उसके अंदर आपका गैस तो निकलने की बहुत दूर की बात है, वो कोल्ड प्रोसेस है, जो कि दुनिया में जो आपके जितने प्रोसेस हैं वो सब हॉट प्रोसेस हैं। सब में टेम्परेचर 70 डिग्री जाता है, इसमें 70 डिग्री टेम्परेचर नहीं जाता है, इसमें प्रोसेस इंजाइम से हो रहा है। तो इंजाइम होने से इसका जो डिकम्पोजन जो मटेरियल आता है, जो बाहर आता है, वो बिल्कुल आपका ठंडा होगा, महक बिल्कुल नहीं होगी, आपके उसके न्यूट्रिशन वैल्यू नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होगा। आप कोई दुनिया का प्रोसेस कर लीजिए, आप कोई मेथड आप करके दिखा दीजिए, अगर आप और इससे वेस्ट डिकम्पोजर से आप डिकम्पोज करने के बाद उसका न्यूट्रिशन वैल्यू टेस्ट करिए, हमारे वाले में न्यूट्रिशन वैल्यू हमेशा हाई होगी, क्योंकि इसमें लॉसेज नहीं होते हैं, इसमें लीचिंग लॉस नहीं होता, इसमें इवेपोरेशन का लॉस नहीं होता। तो आपको जो मिलेगा माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें हाई मिलेगा, जो भी न्यूट्रिशन मिलेगा हाई मिलेगा, नाइट्रोजन कंटेंट हाई मिलेगा। और यही कारण है कि जब हम आप खेत में डालते हैं इसको, खेत में डालने के बाद जब जाता है ये, तो आपके खेत के अंदर जो जड़ें होती हैं उनको डिकम्पोज करता है। 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद आपको काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। अगर उस समय आप टेस्ट करें तो ऑर्गेनिक कार्बन आपको बहुत हाई मिलेगा, क्योंकि इसने ऊपर का डिकम्पोज कर दिया है। और अगर ये उड़ता कार्बन डाइऑक्साइड बनके इमिशन होता, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है इसलिए इमिशन नहीं हो रहा है, इमिशन हो कार्बन के कंटेंट बढ़ेगा, इसलिए सॉइल में कार्बन कंटेंट हमेशा हाई होगा। बाकी कोई प्रोसेस कर लें आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे हॉट प्रोसेस हैं। और अगर आपने कच्चा डाल दिया, कच्चा गुड़ आपका कच्चा गोबर डाल दिया, जीवामृत अगर आपने ठीक से उसको डिकम्पोज नहीं कराया, अगर आपने जो कोई भी मटेरियल लिया उसको प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं किया गया, उसमें जीवाणु नहीं है, आप देखेंगे आपकी फसल जल जाएगी, उसमें पत्तों में पीलापन आ जाए। ये फ़र्क है, वेस्ट डिकम्पोजर का कोई जवाब नहीं है, इससे कोई भी चीज़ कंपेयर नहीं कर सकती। ये ऐसा चीज़ है, ऐसा रामबाण है जो किसानों को प्रॉस्पर्टी दिलाएगा। बाकी जितने लोग जो प्रोसेस अपना बता रहे हैं कि आप ये करें या ना करें, वो सारा के सारे बंद होंगे। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि यही एक जो रामबाण आपके पास है यही काम करेगा। और हम इंडिया में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में टेस्ट कर लीजिए, आप देख लीजिए क्या इसमें चेंजेस हैं। सबसे अच्छा प्रोसेस है ये।